आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। अमरोहा शहर के मोहल्ला शास्त्री नगर में 10 दिन पहले किराए पर रहने वाली युवती बीती 9 मई को धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। 5 दिन बाद युवती की शादी होनी थी। कमरे में युवती के शव के पास से शराब की बोतल, मीट और धारदार हथियार मिले थे। चूंकि युवती मृत्यु से 10 दिन पहले एक शख्स के साथ यहां किराए पर रहने आई थी और इस युवती सीमा ने अपने साथ मौजूद शख्स को अपना बाप बताया था, जिसकी वजह से लोगों को पता था कि आप पिता ओम प्रकाश और पुत्री रहते हैं। लेकिन युवती की मौत के बाद ही उसका तथाकथित बाप ओम प्रकाश लापता था। इस मृतक युवती की 10 दिन बाद ही अमरोहा के चंद्रसेन से शादी होने वाली थी, जिसकी वजह से इस युवती को अमरोहा में सबसे पहले चंद्रसेन ही जानता था और उसको फोन न मिलने के कारण चंद्रसेन जब उसके घर पहुंचा, सबसे पहले उसने उसकी मौत की जानकारी चंद्रसेन को ही थी। चंद्रसेन के बयान लेने के बाद पुलिस ने मृतक युवती सीमा के तथाकथित बाप ओम प्रकाश की तलाश शुरू कर दी। लेकिन पुलिस सब कुछ पता कर लेना चाहती थी, इसलिए पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश गहनता से शुरू की और आरोपी ओम प्रकाश की तलाश में जुट गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सीमा की हत्या के आरोपी का तथाकथित बाप ओम प्रकाश को जब गिरफ्तार किया तो पूरी कहानी सामने आ गई। ओम प्रकाश ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद बताया कि वह युवती का बाप नहीं बल्कि ये दोनों आपस में प्रेम संग रखते थे और ये दोनों बदायूं जिले से भागकर अलग अलग जिलों में नाम और पता बदलकर इन दोनों का काम रिश्वत लेना हुआ करता था, साथ ही ठगी करते थे। ऐसा ही कुछ ओम प्रकाश ने अमरोहा की युवा चंद्रसेन के साथ भी करना चाहा, लेकिन चंद्रसेन ने सीमा को प्यार हो गया था और सीमा चंद्रसेन के साथ ही शादी करना चाहती थी, मगर सीमा के साथ मिलकर लोगों के साथ शादी के नाम पर ठगी करने वाला राम प्रकाश उर्फ चंद्रसेन के साथ अनहोनी करने वाला ओम प्रकाश नागावार गुजरी और उससे सीमा को काफ़ी मनाने की कोशिश की। लेकिन जब सीमा चंद्रसेन के साथ शादी करने के लिए राजी हो गई तो सीमा को अपने हाथों से उसने मौत के घाट उतार दिया। लोगों के साथ शादी के नाम पर ठगी करने वाला ये तथाकथित बाप ओम प्रकाश उर्फ राम प्रसाद पुलिस के शिकंजे में आ गया। पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो आज खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला? जी, इसमें सप्ताह भर पूर्व एक लड़की की हत्या की गई थी थाना कोतवाली क्षेत्र में, जिसका कि गला काटकर हत्या की गई थी। इस पर वहाँ का कथित तौर पर जो पिता था वो साथ में रहता था और मौके से वो फरार था। पुलिस ने इनकी तलाश शुरू की, जिसमें कि कई टीमें लगी थी और शुरुआती जानकारी में यह सामने आया कि यह लोग कई मकान बदल बदल के रहे थे जनपद में और आसपास के जनपदों में भी रहे थे। और इसी तलाश के दौरान हमको जानकारी हुई कि यह मूल रूप से बदायूं जिले का रहने वाला है। वहाँ हमारी टीम कई दिनों तक कैंप की और कैंप करके वहाँ पर हमने पता राशि सुरागसी के जरिए इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद हमें जानकारी हुई कि यह जो व्यक्ति है, अपराधी है, इसने उस लड़की को भगाकर लाया था। ये बदायूं में बदायूं के रहने वाले हैं और वहीं से भगा के लाया था। उसके बाद ये पिछले 1.5 साल से कई जनपदों में अलग अलग नाम और पते से रहे और जहां भी रहते वहां पर ये जो लड़की है उसका रिश्ता करवाने के नाम पे लोगों को ठगते थे और वहां से पैसे एकत्रित करके फिर मकान छोड़कर अन्य जगह पर अन्य नाम से मकान ले लेते थे। जहाँ भी ये जाते वहाँ पर नया फ़ोन नंबर, नया फ़ोन लेते थे और यह मुख्यतः लोगों से ठगी करने का काम करते थे। जब यह थाना कोतवाली क्षेत्र में रहने लगे तो इनमें आपस में मनमुटाव हुआ और इसी मनमुटाव के चलते जो अपराधी है उसने लड़की को फरसे से वार कर गर्दन पर उसकी हत्या कर दी और स्वयं फरार हो गया ताला लगाकर घर के बाहर। ये पूरा ब्लाइंड केस था जिसको कि पुलिस ने 7 दिन में खोला है और कई लोगों जो ठगी के शिकार थे वो सामने आए हैं। इसमें जो खुलासा करने वाली टीम है, स्वाट टीम, सर्विलेंस टीम और थाना कोतवाली की टीम, इनको 10,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा मेरी तरफ से और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है।